नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पावर के द्वारा स्पष्टीकरण आ गया है भाई, और खुशखबरी लाया है ये स्पष्टीकरण रिलायंस पावर का। यहाँ पे देखेंगे 25 अगस्त 2024 का एक PDF अभी अभी मिल रहा है जस्ट, और वो भी 2 मिनट के अंदर। वीडियो बना रहा हूँ, लाइक जरूर करिएगा। जो भी रिलायंस पावर, JP पावर, रतन पावर, GTL इंफ्रा, जिन स्टॉक का मैं कंटिन्यू अपने इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, कोई भी अपडेट आता है मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले अपडेट दे दूँ। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी जो है मुझसे भी डिले हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर, इसका स्किप कोड यहाँ पे, इसका डेट है एक्सचेंज टाइम, देखिए 25 अगस्त 2024 15:48 पे ये वीडियो, मतलब ये अपडेट मुझे मिला था, और यहाँ पे 15:54, मतलब 3:48 पे ये अपडेट आया था, और 3:54 पे यहाँ पे देखिएगा टाइम, आप देख सकते हो हाई क्वालिटी करके यहाँ पे दिख जाएगा। तो केवल 6 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो मैं आप लोगों को बना के अपडेट दे रहा हूँ, डालने में 6-7-10 मिनट और लग जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, तो ये एक सीधा सीधा कह लें कि एक स्पष्टीकरण आया है, जो अभी मैटर जो हुआ है रिलायंस होम के साथ, उसी पे इन्होंने अपने साइड से स्पष्टी कर दिया कि मैं, हमारे ऊपर क्या है, हमारे बिजनेस पे कुछ असर पड़ेगा, हमारा क्या लेना देना उनके साथ है नहीं है। कल एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि जिस जिसको जो है अपनी पीएफ ग्रुप के कंपनियों को रिलायंस होम ने डेट दिया था, उसमें एक जगह पे नाम रिलायंस पावर का निकल के सामने आया था, 135 करोड़ रुपए कर्ज इनको भी उन्होंने दिया है, ठीक है ना, ये इनका नाम आया है। बाकी 28 लोगों की जो लिस्ट निकल के सामने आई है, जिनको जो है बैन कर दिया गया है स्टॉक मार्केट में काम करने से, उसमें जो है कहीं पे भी रिलायंस पावर का नाम निकल के सामने नहीं आया, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर। अब कंपनी अपने साइड से क्या स्पष्टीकरण दे रही है उसको आप समझिए। ये वही सेम PDF है, इसको मैं हिंदी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए विषय इसका है, प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता के विनिमय 30 के अंतर्गत प्रकटीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं, विनिमय 2015 सूचीबद्धता, विनिमय मीडिया वक्तव्य। तो जो भी मीडिया को वक्तव्य दिए गए हैं, मीडिया को जो है प्रेस रिलीज की गई है, उसी का जो ये जो है प्रति जो है काफ़ी संलग्न है। यहाँ पे बताया गया कि हम इसके साथ कंपनी द्वारा जारी मीडिया वक्तव्य की जो है एक प्रति संलग्न कर रहे हैं जो स्वतः स्पष्ट है। तो इन्होंने मीडिया में एक बयान दिया है या मीडिया को एक जो है सफाई दिया, और उसी का जो स्पष्टीकरण, उसी का जो है कॉपी यहाँ पे भेजा गया, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया को कुछ बता रहे हो और एक्सचेंज को नहीं बता रहे हो, ये एक रूल का जो है वायलेशन हो जाएगा इनका। तो देखिए सेबी दिनांक 22 अगस्त 2024 के आदेश के संबंध में मीडिया वक्तव्य जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूति, वही रूल रेगुलेशन ने जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य के संबंध में 22 अगस्त 2024 को जो है एक आदेश दिनांकित अपना अंतिम आदेश पारित किया था, ठीक है ना, कितने तारीख को, 22 अगस्त को, जो जहां से मैटर शुरू हुआ। और उसी के बाद यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड ने सेबी के समकक्ष कार्यवाही में नोटिस प्राप्तकर्ता या पक्ष नहीं था, ये कह रहे हैं कि हम जो है रिलायंस पावर लिमिटेड अपने स्वयं कह रहा है कि रिलायंस पावर लिमिटेड सेबी के समकक्ष कार्रवाई में, जो भी सेबी में सुनवाई हो रही थी, जो जांच हो रही थी, कुल मिला के कार्रवाई में नोटिस प्राप्त करता, जैसे वही नहीं बताया कि 28 लोगों को नोटिस मिला है और उनको जो है यहाँ पे किया गया है, और उनमें ना ही नोटिस प्राप्त करता था ना ही पक्ष था, ठीक है ना, ना ही इनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी ना ही ये कार्रवाई से किसी तरह से जुड़े थे, ये इन्होंने स्पष्ट किया। जिस समय आदेश पारित किया गया रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ आदेश में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, रिलायंस पावर के खिलाफ आदेश में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, मतलब रिलायंस पावर का इसमें जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, आदेश दिया गया है सेबी की तरफ से कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है उसे, क्योंकि ये उनसे कुछ लेना देना है। नीचे और क्लियर कर रही है कंपनी, श्री अनिल अंबानी ने उसी कार्रवाई में सेबी पारित द्वारा पारित 11 फरवरी 2024 के अंतिम आदेश के अनुसरण में रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पे जो पहली बार जो है आदेश आया था सेबी का, जो 11 फरवरी 2022 को ही आया था, मतलब अभी से 2 साल पहले की बात चल रही है, 2.5 साल तभी से जो है रिलायंस पावर
लिमिटेड के निदेशक से डायरेक्टर से के पद से अनिल अंबानी ने इस्तीफा दे दिया था। मतलब तब से अब तक वो अभी डायरेक्टर नहीं है रिलायंस पावर के, ठीक है ना, कोई और है। तो इस वजह से पहले से भी नहीं जुड़े नहीं थे और अब से भी नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे नहीं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा तो फिर रिवर्सल भी आ सकता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ से कंपनी और इसके नीचे भी कंपनी लिख रही है कि इसलिए सेबी द्वारा पारित 22 अगस्त 2024 जो ये परसों वाला आदेश का रिलायंस पावर लिमिटेड के व्यवसाय और मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये रिलायंस पावर का कहना है कि इस आदेश जो पारित किया है 22 अगस्त को, इससे रिलायंस पावर के व्यवसाय पे या वित्तीय स्थिति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। बस यही बस है कि सेम ग्रुप की कंपनी है, बस इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत निगेटिविटी इसमें आ रही है, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वही 135 करोड़ का डेट, तो हो सकता है कंपनी है भाई, डेट ली है तो उसको पेमेंट करेगी, उसमें क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये एक जो है निकल के सामने आया, तो एकदम स्पष्टीकरण एकदम दे दिया है और मैं भी लगभग समझा ही दिया हूँ पूरी तरह से कि क्या मतलब है। तो पूरी तरह से कंपनी ने स्पष्ट कर दिया, ये एक खुशखबरी कह लीजिए इसको, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में स्पष्टीकरण बयान जो आते हैं ना उनके बहुत मतलब असर पड़ता है। तो कोई भी आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगता है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए जो आपका शेयर होल्डर, वही मैं बता रहा कि शेयर होल्डर हम हैं, हम कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम भी मालिक हैं लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जानते कंपनी में हो क्या रहा है, कहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हड़ताल हो रहा है, क्या हो रहा है कंपनी में, कैसा चल रहा है बिजनेस, सब क्या दिक्कत परेशानी, वो हमको नहीं पता है। तो वो कंपनी का जो है कहते बनता है कि हमको पता दे, हर बार नोटिफिकेशन दे, सूचित करे कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हुआ ऐसे, तो अच्छा रहता है, थोड़ा पारदर्शिता जो है वो बनी रहती है, ठीक है ना। और वही चीज़ यहाँ पे हुआ, तो ठीक है कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। और भी कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। बाकी रिलायंस पावर में वही कल 34 करोड़ इक्विटी शेयर इसी बैड न्यूज़ की वजह से ट्रेड हुए थे, 34 करोड़ इक्विटी शेयर, और जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 1235 करोड़ रुपए आ रही थी, और डिलीवरी परसेंटेज में भी बढ़िया था, 28% के आसपास, इतने वॉल्यूम के बाद भी डिलीवरी परसेंटेज आना अपने आप में भी एक बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। चार्ट पे कुछ नहीं करना है भाई, देखिए रिलायंस पावर का मैं चार्ट भी नहीं लगा पाया जल्दी जल्दी, तो क्योंकि तुरंत आया था ना, अभी जस्ट आया था, वहीं 6 मिनट के अंदर ही वीडियो बनाया ना, तो दो तीन चीज़ मैं स्ट्रिंग शॉट लगाया। चार्ट पे कुछ नहीं करना है हम लोगों को, जो हमारा पहले का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसी को हम लोगों को फॉलो करना है, और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। कल 5% की इसमें गिरावट आई थी, 34 रुपये और 40 पैसे पे इसने अपना क्लोजिंग दिया है, और अभी हम लोग को लगभग लगभग वेट करना है 30 रुपये तक। 30 रुपये तक तो कोई टेंशन नहीं है, 30 रुपये के पहले पहले कोई भी पॉजिटिव नहीं, जैसे ये भी एक पॉजिटिव न्यूज ही है, अगर इसको मार्केट सही लेता है तो फिर यहाँ से भी रिकवरी आ सकती है। और एक चीज़ आप लोगों को और बोलाऊँ कि जब निगेटिव न्यूज के बाद या कोई दिक्कत परेशानी बड़ी, कह लें कि कंपनी के साथ कोई बड़ा जो है एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बहुत बड़ी जो है विपत्ति आ जाती है, आप कुछ भी हो जाता है, और उसके बाद अगर वो झूठा निकलता है ना, तो फिर वहाँ से जो रिवर्सल आता है ना भाई, वो आप नहीं समझ सकते हो कि वो कैसा रिवर्सल होगा। क्योंकि कोई कंपनी में अगर अचानक से कोई फर्जी खबर आ गई कि इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया का फ्रॉड किया है और शेयर 20% क्रैश कर गया, अगले दिन फिर से 10% क्रैश कर गया, ऐसे होता है, तो अगर वो अगले दिन न्यूज निकल के सामने आती कि नहीं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अगर वहाँ से रिकवरी आ गई, हालांकि ज़्यादातर केसेस में नहीं भी आती है रिकवरी, लेकिन अगर वहाँ से रिकवरी आ गई और जो हाई बनाया था, अगर वो हाई फिर से ब्रेक हो जाता है भाई, वो धमाका मचा देता है ऐसे। मतलब अगर यहाँ से फिर से अगर इसका हाई ब्रेकआउट दे दिया ना, कहाँ रुकेगा आप समझिए अब, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता है, लेकिन वही बात होता है कि आना चाहिए रिवर्सल बढ़िया सा, ठीक है ना। तब नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब देखिए कहानी मैं समझाऊंगा आपको, तो एक IRCTC नाम का शेयर है, सरकारी कंपनी है, ठीक है ना, और टिकट विकट का कारोबार करती है, उसमें आया था कि एक उन्होंने टैक्स लगाया था, उस समय शेयर 7,000 पे ट्रेड कर रहा था, कितना पे, 7,000 पे, और एक टिकट का उनका आया था कि एक छोटा सा उन्होंने शुल्क लगाया था टिकट पे, ठीक है ना, मामूली सा शुल्क लगाया था, 10-5 पैसे का था यार, या 20 पैसे का, इस तरह से था। आप जाके देखिएगा वहीं IRCTC में हाई है फिलहाल में, हर लगता है उस ये अब जो है उसको ब्रेक करा, उस समय से वो 20-20-25% 3 दिन गिरा था, और उसके बाद वो 3 दिन के बाद वो फैसला वापस भी ले लिया गया, उसके बाद भी उसमें रिवर्सल नहीं आया, मतलब ऐसे गिरा था। चार्ट पे आप ध्यान दीजिए,
समझा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे आपको पता रहेगा ना कि न्यूज़ पे कैसे मार्केट रिएक्ट। जैसे कि इस तरह से पहले तो भागा था ऐसे एकदम खड़ी रेखा में भागा था, अब जाके IRCC, उसके बाद जब ही वो न्यूज आई ना ऐसे गिरा एकदम सीधा यहाँ तक। फिर उसके बाद वो फैसला वापस भी ले लिया गया कि नहीं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, हम जो है उसको वापस ले। तो क्या वो शेयर फिर से वहाँ पर गया? नहीं गया, वहीं पर सस्टेन करके रहा। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अगर वो रिकवरी कर जाता है और जहाँ से वो न्यूज आई थी अगर उस न्यूज के आने वाले लेवल को पार करता है ना, तो फिर बढ़िया सी एक तेजी देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर इसमें अगर ये वाला हाई फिर से ब्रेक होता है इस न्यूज के बाद, तो फिर इसमें एक अच्छी रिकवरी आएगी, नहीं तो यहीं पर सस्टेन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे, आगे बात करेंगे, लाइक करिएगा, ठीक है ना।